वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक कैंडल रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंटली वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। सो आज आपको अपने पर्सन के नेम की फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली कैंडल चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस ब्लू कैंडल को चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस येलो कैंडल को चूज़ करना है। तो अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। यह है ग्रुप वन यानी कि ब्लू कैंडल, यह है ग्रुप टू यानी कि येलो कैंडल। सो एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रेस के लिए, या फिर टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर। ओके, इस मंथ के एंड होने तक सारे जो प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑनलाइन क्लासेस हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस में फीस में है। सो अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल करना है या इनरोल करना है तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करके जल्द से जल्द अवेल कर लीजिए, ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एस एम के बीच में आता है और आपने इस ब्लू कैंडल को चूज किया है तो हम देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पे रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स में, मिस्ट में और ऑनलाइन टैरो क्लासेस में डिस्काउंट है, तो इस मंथ के एंड तक डिस्काउंट रहेगा, तो अगर आप अवेल करना चाहते हो तो कर सकते हो। साथ में सेकेंड चैनल पे भी विजिट ज़रूर कीजिए। सेकेंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, मैजिक टेक्निक से रिलेटेड तरह तरह के वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में आपके प्रति, कि उन्हें एक डिटैचमेंट, उन्हें एक दूरी कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली फील हो रही है, ठीक है, रीसेंट टाइम्स में। तो आपके पर्सन एक कटा कटा सा एनर्जी, एक डिटैचमेंट और एक दूरी वाली फीलिंग आप दोनों के कनेक्शन में और आप दोनों के बीच में वो महसूस कर रहे हैं, एंड वो फील कर रहे हैं कि ऐसा वो क्या कर सकते हैं जिससे ये दूरी या जो ये फीलिंग है डिटैचमेंट वाली, ये मिट जाए। तो आप दोनों के बीच का जो स्पेस है, आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस हो, चाहे वो जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो या मेंटल डिस्टेंस हो, हर तरीके की दूरियों को या डिटैचमेंट को, लाइक एक दूसरे से कट जाना, वैसे एनर्जी को आपके पर्सन ठीक करना चाहते हैं। वो आप दोनों के बीच की दूरियों को मिटाना चाहते हैं एंड करेंटली उसी बारे में कहीं ना कहीं वो फोकस कर रहे हैं कि ऐसा वो क्या कर सकते हैं जिससे आप दोनों के बीच की दूरियाँ मिट जाएँ और आप दोनों और भी क्लोज आ पाएँ, आप दोनों और भी एक दूसरे को महसूस कर पाएँ जो वो अभी लैक कर रहे हैं, ठीक है, अभी मिस कर रहे हैं बेसिकली उस चीज़ को। ये सबसे पहली चीज़ दिख रही है। आपके पर्सन आपके साथ प्यार बढ़ाना चाह रहे हैं, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन बहुत फ्रूटफुल एंड ये कनेक्शन बहुत अच्छा रिश्ता है आप दोनों का, तो इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए या फिर इस कनेक्शन से दूर नहीं जाना चाहिए, इस कनेक्शन से अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि इस कनेक्शन में ट्राई करना चाहिए कि हम और भी प्यार बढ़ा सकें। सो बेसिकली आपके पर्सन अपने तरफ से सोच रहे हैं कि वो
क्या चेंजेस अपने अंदर ला सकते हैं या क्या चेंजेस इस कनेक्शन में वो कर सकते हैं जिससे आप दोनों की दूरियां मिटे, आप दोनों के बीच में प्यार बढ़े, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़े और आप दोनों बहुत खुश रह पाओ जैसे पहले या इनिशियल टाइम पे रहा करते थे। ठीक है, सो आपके पर्सन गिविंग अप वाले एनर्जी में बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते हैं। इन केस अगर आपका सेपरेशन मोड चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है या फिर आपका सिचुएशनशिप है लाइक रिलेशनशिप शुरू ही नहीं हुआ है बट क्रश है, फ्रेंड है, कोई है, सो ऐसी बात नहीं है कि वो शुरू नहीं करना चाहते आपके साथ, वो डेफिनेटली बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये कनेक्शन खत्म ना हो बल्कि इस कनेक्शन में और भी प्यार बढ़े, और भी फीलिंग्स बढ़े एंड और भी क्लोजनेस आप दोनों के बीच में आए और स्ट्रांग तरीके से आए। ओके, सो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत दिल से सोच रहे हैं इस वक्त और वो अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा फील होता था कि आपके पर्सन हमेशा दिमाग से सोचते थे या फिर उनके दिल में प्यार नहीं है आपके प्रति, सो मुझे दिख रहा है कि जो प्यार उनके अंदर था आपके प्रति उस चीज़ को वो महसूस कर रहे हैं एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि यस दे लव यू। ठीक है, वो आपको प्यार करते हैं और उन्हें आपके लिए कुछ करना चाहिए या इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के खातिर कुछ करना चाहिए। ठीक है, सो बहुत अमेजिंग एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है क्योंकि इनकी फीलिंग और इनके थॉट्स अभी स्टेबल हैं। ठीक है, और बहुत स्ट्रांग लेवल पर वो सोच रहे हैं कि उनको करना ही है। ठीक है, और ये जो आपको मैं करंट फीलिंग बोल रही हूँ ये जल्दी से चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो परजिस्टिंग वाली एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिख रही है कि हाँ ये डिसाइड कर रहे हैं उस पर ये अड़े रहेंगे। ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन आप दोनों के पास्ट को लेकर भी बहुत अच्छी मेमोरीज को चेरिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ मिस भी कर रहे हैं एंड फिर से रिलीव करना चाहते हैं उन मेमोरीज़ को, वो फिर से जगाना चाहते हैं, वो चाहते हैं फिर से आप दोनों के बीच में बहुत खुशियाँ आए, बहुत अटैचमेंट आए, हेल्दी अटैचमेंट, बहुत प्यार रहे, बहुत इंजॉय करो एक दूसरे के प्रेजेंस को। ठीक है, सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि करेंटली वो इसी थॉट में अटके हैं कि वो बेहतर किस तरीके से इस रिश्ते पे अपना एफर्ट डाल सकते हैं, कैसे आपके क्लोज आ सकते हैं और कैसे रिलीव कर सकते हैं जो वो पहले आपके साथ खुश हुआ करते थे, उन सारे मेमोरीज़ को रिक्रिएट कैसे कर सकते हैं या कैसे वो आपके साथ पहले की तरह रह सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर हुए हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है झगड़ा हुआ हो या आप दोनों का कोई और इशू आया हो या इंडिविजुअली हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आई हो आप लोगों के लाइफ में, या आप दोनों हो सकते हैं दूर चले गए लाइक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। सो ये पर्सन समझ रहे हैं कि जो दूरी हमें फील हो रही है सबसे पहले तो हमें उस चीज़ को हटाना है। ठीक है, और एक स्टेबल काम माइंडसेट एंड स्टेबल काम डिसीशन इस कनेक्शन के टूवर्ड्स लेना है ताकि जो स्टेबिलिटी हमें फील नहीं हो रही वो हमें फील होनी शुरू हो जाए। सो आपके पर्सन खुद तो एफर्ट डालना चाह ही रहे हैं एंड उन्हें कहीं ना कहीं फील भी हो रहा है कि वो जब एफर्ट डालेंगे तो आप भी ऑटोमेटिकली एफर्ट डाल ही दोगे आपके पर्सन के लिए। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बहुत अच्छी दिख रही है, वो कुछ करना चाहते हैं आपके रिश्ते के लिए। अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये पर्सन खुद सोच भी रहे हैं, तरीके निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो आपके आपको अप्रोच कर सकते हैं या सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं एंड बहुत जल्द आपको ये एफर्ट्स में नज़र भी आएगा। ठीक है, कि आपके पर्सन डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं या आपको खुशियाँ दे रहे हैं या फिर इस रिश्ते को लेकर वो सीरियस है एंड इस रिश्ते को वो चाहते हैं दिल से निभाना, ये पर्सन आपको बहुत जल्द महसूस करवाएंगे। अगर अभी आपको उनकी तरफ से कोई फीलिंग महसूस नहीं हो रही है या कोई सर्टनिटी नज़र नहीं आ रही है या फिर समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं ये इंसान इंटरेस्टेड है भी या नहीं, इनके दिल में थोड़ा बहुत प्यार है भी या नहीं, या सिर्फ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सो मुझे लग रहा है बहुत जल्द आपको नज़र आएगा कि आपके पर्सन भी सीरियस हैं और जितना आपके अंदर विलिंगनेस है, चाहत है कि हाँ ये रिश्ता बने या साथ चले, आप दोनों का साथ रहे, उतनी विलिंगनेस उनके तरफ भी है। तो अगर आपको वन साइडेड फील भी होता था कि सारी चीज़ें आपके तरफ से हैं, उनके तरफ से कुछ नहीं है, उनके तरफ से भी आपको फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशन, एफर्ट्स सब बहुत जल्द नज़र आने वाला है। ठीक है, अब ये जो बहुत जल्द टाइमिंग है ये डिफर कर सकता है अलग अलग लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए एक दो दिन में दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए 3-4 हफ्तों में दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मंथ्स तक या ज़्यादा साल तक कुछ आपको वेट करना पड़ेगा, 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, कुछ हफ्तों से कुछ दिन में, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ घंटों में भी हो सकता है,
ठीक है, कि जब आप रीडिंग देख रहे हो तभी हो सकता है ये पर्सन आपसे मिलने आ जाए, या आपको कॉल लग कर दे, या उनका एक तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाए, मैसेज आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आप पकड़ लीजिए, ओवरऑल 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपने पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव डेफिनेटली नज़र आएगा। ठीक है, पहले से ज़्यादा इमोशनल, पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव एंड पहले से ज़्यादा एफर्ट करने वाले पर्सन ये बनेंगे, एंड डेफिनेटली आपको वो चेंज नज़र आएगा आपके पर्सन के अंदर। एंड आपको भी फील होगा कि येस, इट इज़ द टाइम जहाँ पे हमें अपने लाइफ को एंड लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव हो जाना चाहिए, रिलीव करना चाहिए हर एक मोमेंट को, और अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। सो अगर आप नेगेटिविटी में भी फंसे हो और स्टक हो, और आपको श्योरिटी नहीं है, फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस्ड हो कि पता नहीं रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, सो डोंट वरी। ओके, फ्यूचर के टेंशन लेकर कोई मतलब नहीं है, एंड आपके पर्सन इतना प्यार देंगे आपको कि आप फिर से जीना चाहोगे, फिर से आपको उम्मीदें नज़र आएगी अपने लव लाइफ में, फिर से आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, अपलिफ्टेड महसूस करोगे, अबंडेंट महसूस करोगे। ठीक है, सो अगर आप आपके पर्सन से प्यार करते हो तो पेशेंस रखिए, डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है और ये फीलिंग्स एक्शंस में भी बदलेंगे। एंड इस पर्सन के अंदर भी मुझे उतनी ही विलिंगनेस, इंटरेस्ट नज़र आ रहा है आपके प्रति, आप दोनों के कनेक्शन के प्रति, सो डेफिनेटली दे विल वर्क आउट ऑन इट। ठीक है, वो ज़रूर मेहनत करेंगे इस रिश्ते पे, एंड वो ज़रूर चाहेंगे कि ये रिश्ता आगे बढ़े, बल्कि ख़राब ना हो, बल्कि अच्छे तरीके से चले। ठीक है, तो ये मेहनत ज़रूर करेंगे इस कनेक्शन में। सो गाइस, ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। इसे मैं साइड में कर दूंगी, इस कैंडल को मैं बुझाऊंगी नहीं, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, फिर हम बाकी चीज़ें देखते हैं। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को क्रिस्टल्स एंड मिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बाकी मिस्ट भी आप लोगों को शो करूँ, सो 4 टाइप्स के मिस्ट मैं आप लोगों को शो करना चाहूँगी। ओके, वन बाय वन सिक्वेंसी। सो फर्स्ट वाला जो मिस्ट है वो है अट्रैक्शन मिस्ट। ओके, इसे आप घर बैठे कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके तुरंत जो भी चाहोगे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि यू नो आपसे टेक्निक करने में मुश्किलात आते हैं, या फिर जो भी आप टेक्निक्स अप्लाई करते हो वो आपसे बनते नहीं है, या कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको नहीं मिलता है, बहुत सबर करना पड़ता है, काम नहीं बनता, सो उसके लिए आप डेफिनेटली इस अट्रैक्शन मिस्ट को यूज़ कर सकते हो, और कुछ भी प्योर इंटेंशंस के साथ, अच्छे इंटेंशंस के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो ये तो अभी हाफ फिल्ड है, बट ये आपको फुल फिल्ड मिल जाएगा। ये मैंने यूज़ भी किया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को बहुत बार शो भी किया हुआ है, डेमो भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों को एक कम क्वांटिटी में दिख रहा होगा, बट यस, अगर आपको ऐसा मिस्ट चाहिए, बहुत सारे ऑर्डर्स यू नो बाई गॉड्स ग्रेस आ चुके हैं, ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने रिसीव भी कर लिया है, सो अगर आपको चाहिए, सो ये है फर्स्ट मिस्ट जो कि है अट्रैक्शन मिस्ट। इसको अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में DM कीजिए एंड ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। ये चारों के चारों मिस्ट आपको मंथ के एंड तक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा मिस्ट है हमारा पॉजिटिविटी एंड इविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट। ये आपके घर के लिए, वर्क प्लेस के लिए, स्टडी एरिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको फील होता है कि आपके घर में यू नो, कोई बुरा साया है, या किसी की नेगेटिविटी है, किसी की बुरी नज़र है, या आपको घर में यू नो पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल पाती है, ओके, और वास्तु का इशू है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में बहुत झगड़े लगते हैं, बहुत तनाव चलता है, वर्क प्लेस में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, जिस वर्क एरिया में काम करते हो, वर्क डेस्क में काम करते हो या पढ़ाई करते हो, तो उसमें पॉजिटिविटी के लिए इविल आई प्रोटेक्शन, जैसे कि फ्यूचर में कोई बुरी नज़र ना डाल पाए आपके घर में, आपके फैमिली में, या आपके वर्क प्लेस में, आपके स्टडी एरिया में, सो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन सारे गिवन रहेंगे प्रोडक्ट के साथ, जिसे आप फॉलो करके इजीली यूज़ कर सकते, तो बहुत इजी इंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा कुछ काम छम आपको करना नहीं है। ठीक है, तो इसे भी अगर आप घर में स्प्रे करोगे, या जहाँ पर भी आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, स्प्रे करोगे, तो उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, इविल आई प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, तीसरा मिस्ट है हमारा क्रिस्टल क्लींजिंग एंड एनर्जाइजिंग मिस्ट। अगर आप ऑलरेडी क्रिस्टल वेयर करते हो, जेम स्टोन्स वेयर करते हो, या अपने पास आप रखते हो, बट आपको यू नो क्लीन करने नहीं आता, या फिर आपको री एनर्जाइज करना है, या फिर आप ऑलरेडी आपने खरीद कर रखा हुआ है बट आप जानते नहीं हो कि कैसे एनर्जाइज करके एक्टिवेटेड फॉर्म में क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें इससे क्लींजिंग भी होगी आपकी क्रिस्टल की, जेम स्टोन्स की, एंड वो एनर्जाइज भी होगा, ओके, और ये एनर्जाइज भी। सो अगर आपको ये चाहिए, सो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर DM कर सकते हो, व्हाट्सएप में, इंस्टा में। एंड फोर्थ मिस्ट इज़ योर हीलिंग मिस्ट।
अगर आपको बहुत नेगेटिविटी फील होती है या आप स्टक फील करते हो या ओवर थिंकिंग का शिकार हो, बहुत ओवर थिंकिंग आपके मन में होती है, बहुत चिंता करते रहते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह, पास्ट को लेकर यू नो एंशियस हो जाते हो या पास्ट को लेकर सैड हो जाते हो या प्रेजेंट लाइफ से सैड रहते हो, तो उसके लिए हीलिंग मिस्ट बिल्कुल आपके लिए है। ऐसे आप स्प्रे करके कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बहुत इजीली हील हो सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलेगा अगर आप किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो या आपको यू नो भारीपन फील हो रहा है कुछ भी, आप इस स्प्रे से डेफिनेटली आपको 110% रिलीफ मिलेगा इसे अगर आप ठीक से यूज़ करेंगे तो। ये भी मिस्ट अगर आपको चाहिए हीलिंग के लिए, ठीक है, और ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये मिस्ट चाहिए तो भी आप मुझे केवल व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट करके यू नो अपने ऑर्डर प्लेस करवा सकते। ये चारों मिस्ट में से अगर आपको कोई भी मिस्ट चाहिए आप DM करके यानी कि कॉन्टैक्ट करके थ्रू व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज, ओके। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में आता है और आपने इस येलो कैंडल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में मुझे नज़र आ रही है कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब बहुत आशाओं में है आपके पर्सन, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो, कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब सही है और सब सही होगा, ठीक है। इंटरनली अंदर से वो फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों का प्यार, आप दोनों का यू नो आप दोनों की चाहत, आप दोनों का इंटरेस्ट वहीं पर है, किसी में भी कुछ चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अंदर से वो महसूस कर रहे हैं कि वो भी आपके प्यार में हैं, आप भी उनके प्यार में हो, सब सही है और अब सब कुछ सही होगा, ठीक है। और जो चीज़ आप दोनों के फेवर में नहीं भी हो रही है उसमें भी आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि जो चीज़ फेवर में नहीं भी हो रही है वो भी फेवर में हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें बिखर रही थी या बिखर गई थी वो फिर से ठीक हो रही है, फिर से इकट्ठी हो रही है, फिर से आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आ रहा है, वो आपको लेकर बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही होने वाला है आप दोनों के बीच में। और यू नो उनको कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंटली ड्रीम्स भी आए हैं मुझे लग रहा है रिसेंट डेज में, जहाँ पर उन्हें बहुत अच्छा ड्रीम आया है आप दोनों को लेकर, ठीक है। तो उससे उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा यू नो काम कर रहा है इनके अंदर। एंड करेंटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि बहुत खुश, हैप्पी हैप्पी ये इंसान फील कर रहे हैं, एंड ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में अब ज़रूर उजाला आएगा, ठीक है। और जैसे होता है ना कि रात के बाद जब सुबह सन राइज होता है, जब धूप निकलती है, जब सूर्यदेव निकलते हैं, तो एक अलग ही वाइब हमको मिलती है, ठीक है। तो वही वाली जो वाइब है फर्स्ट सनराइज की, वैसी आपके पर्सन को उम्मीदें जाग रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि यू नो डेफिनेटली अब चीज़ें जो हैं बढ़ेंगी अभी, क्योंकि आपके पर्सन बहुत रोमांटिक भी फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर स्वीट ब्रीज की वाइब्स आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, ओके। वो जो स्वीट ब्रीज की फीलिंग तब होती है जब यू नो ट्रू लव होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत महकता हुआ एंड बहुत लाइट, बहुत हैप्पी एंड अबंडेंट फील कर रहे हैं जब भी आपको लेकर वो सोच रहे हैं, जब भी आप भी आपको मतलब उनको आपकी याद आ रही है, जब भी वो यू नो आपसे रिलेटेड कुछ देख रहे हैं या उनको याद आ जा रही है बेसिकली, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुशी के साथ आपको याद कर रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं लेकिन उस मिसिंग एनर्जी में भी एक तड़प नहीं है बल्कि एक विश्वास है
कि अगर वो अभी आपसे दूर हैं तो वो बहुत जल्द आपके पास आ जाएंगे, बहुत जल्द आपके करीब आ जाएंगे, ठीक है। और सब कुछ आप दोनों के बीच में बिल्कुल सही होगा, स्थिरता के साथ सब कुछ आगे बढ़ेगा, आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करोगे, आप दोनों एक दूसरे को दिल से अपना कर आगे भी बढ़ोगे, और कोई छल कपट, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं करंटली महसूस कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ और भी ज़्यादा लॉयल होना है, उन्हें आपको और भी ज़्यादा टाइम देना है, उन्हें आपकी और भी ज़्यादा केयर करनी है, ठीक है, और बस आपका बन के रहना है। तो पहले हो सकता है कि वो फैमिली की ज़्यादा सुनते थे, या फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देते थे, या उनके लाइफ में अलग अलग लोग थे जिनको वो इम्पोर्टेंस देते थे, और आपके साथ उन सबका बंटवारा हो गया था बहुत ज़्यादा, और आपको एकदम कम इम्पोर्टेंस देना, टाइम देना, ऐसे हो सकते हैं उनकी लाइफ बनी हुई थी और उसको लेकर वो बहुत सैड भी नहीं होते थे। लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि उन्हें अब और भी लॉयल होना है, उन्हें आपके साथ हर एक चीज़ को शेयर करना है, उन्हें आपके साथ हर एक कदम पर आगे बढ़ना है, और बहुत प्यार के साथ आपके साथ रहना है, बहुत रोमांटिक वे में, लविंग वे में आपके साथ रहना है, और हर टाइम आपको स्पेशल फील करवाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन करेंटली दिख रहा है मुझे क्लियरली यहाँ पर कि आपके पर्सन करेंटली सोच रहे हैं कि उनका मन कर रहा है लिटरली कि वो आपको बुकेज दें, फ्लावर्स गिफ्ट करें, ठीक है, आपको पेस्ट्रीज खिलाएं, या आपको डेट पर लेकर जाएं, कैंडल लाइट डिनर करें आपके साथ, आपकी बात सुने, या फिर वो आपसे पूछें कि आप अभी क्या करना चाहते हो, और वो आपकी इच्छाओं को पूरे करने में लगे रहें। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन के अंदर सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो खुद अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर अभी आप दोनों अलग भी हो तो जब आप दोनों साथ आओगे तो वो आपको हर एक पल स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे, हर एक पल वो आपके साथ पूरे डिवोटेड रहने की कोशिश करेंगे, और पूरे श्रद्धा के साथ वो आपके साथ इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन के मन में मुझे बहुत उभरता हुआ पैशन, उभरता हुआ पॉजिटिव एनर्जी एंड उभरता हुआ प्यार नज़र आ रहा है, एंड उसी चीज़ के बलबूते पर आपके पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट एंड बहुत स्ट्रांग महसूस कर पा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, एंड वो डेफिनेटली इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं करेंटली कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी हो जाए, आप दोनों का रिश्ता कभी ख़राब नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए वो खुद इस रिश्ते को अब ख़राब होने नहीं देंगे, इस रिश्ते को बिखरता हुआ ना देख सकते हैं वो, ना वो ऐसा कुछ करेंगे कि बिखरे, और उनको पूरा फेथ है करंटली, उसी फेथ पे ये इंसान सोच रहे हैं कि यस मुझे फेथ हो रहा है, या मुझे अब इस रिश्ते को लेकर सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है। तो ऐसे माइंडसेट में आपके पर्सन चलते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन ऐसे इमोशंस में चलते हुए दिख रहे हैं, ओके। तो मुझे यह दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर जो फेमिनिन साइड है, देखिए हर एक इंसान के अंदर मैस्कुलिन साइड, फेमिनिन साइड, दोनों साइड होता है। तो आपके पर्सन के अंदर की जो फेमिनिन साइड है, जिसका फोकस लव में, केयर में, कंपैशन में है, वो निकल कर बाहर आ रहा है अभी, ठीक है। सो उनको अब करेंटली फील हो रहा है कि वो आपकी केयर करे, आपको पैम्पर करे, आपको प्यार करे, आपको एक्सप्रेस करे, आपको फील करवाए कि वो कितना ज़्यादा आपके प्यार में है, और कितना ज़्यादा वो इस रिश्ते को लेकर श्योर है, और कितना ज़्यादा वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, बस आपको ही चाहते हैं, उनके दिल में बस आप ही हो, बस वो चाह रहे हैं, डेस्परेटली वो चाहते हैं कि वो आपको दिखा पाए, शो कर पाए, फील करवा पाए कि उनके दिल में, उनके ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं हो, और कितना ज़्यादा आप उनके लिए मैटर करते हो, और वो कितना ज़्यादा उम्मीद रखते हैं इस रिश्ते से, और कितना ज़्यादा वो बदलना चाहते हैं आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए, और इस रिश्ते के बेटरमेंट के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको नापसंद थी इस पर्सन के अंदर, या इनको भी कहीं ना कहीं लगी है कि उनके इस बिहेवियर के वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम बार बार आई है, या आप ना खुश हुए हो, तो उसको भी ये पर्सन बदलना चाहते हैं। सो इन केस अगर आपके पर्सन ने आपको कभी चीट करा हो या थर्ड पार्टी के साथ गए हो, तो आपके पर्सन का माइंडसेट चेंज हो रहा है, वो रियलाइजेशन के थ्रू गुजर रहे हैं, एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपके टूवर्ड्स लॉयल बनना है, उन्हें आपको ही कमिट करना है, और उन्होंने जो भी गलतियाँ की उन्हें उस चीज़ की माफ़ी चाहिए आपसे, और वो चाह रहे हैं कि आप बस उन्हें एक्सेप्ट करो और फिर से आप दोनों बहुत इंजॉय करो और लव के साथ रहो। और
नो मैटर सच में आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन है तो, लेकिन आपके पर्सन को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप उन्हें ज़रूर अपनाओगे, आप ज़रूर उनको प्यार दोगे जैसे आप पहले दिया करते थे, और सब कुछ आप उनके साथ ठीक कर लोगे। सो इस तरीके के माइंडसेट में मुझे दिख रही है। तो आपका सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, सिचुएशनशिप हो, रिलेशनशिप हो, या ब्रेकअप हो गया हो, या आपके हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल पर अच्छा और फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है आपको लेकर, ये इंसान याद भी कर रहे हैं तो भी खुशियों के साथ आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। और इंटेंशंस इनके बहुत प्योर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ डेस्परेटली चाह रहे हैं कि वो अपना प्यार आपको शो कर पाए, वो आपकी प्रेजेंस फील कर पाए, वो आपके साथ समय बिता पाए, वो आपके साथ रह पाए, वो आपके साथ मेमोरीज क्रिएट कर पाए, एंड वो और आप मिलकर बहुत प्यार दो एक दूसरे को। इस चीज़ के लिए ये इंसान बहुत तड़प रहे हैं, मैं कह सकती हूँ बहुत डेस्परेट हो रहे हैं, एंड चाह रहे हैं कि अगर आप लोग अलग हो या दूर रह रहे हो या अभी तक कन्फेशन नहीं है तो जल्द से जल्द चीज़ है अब फास्ट फॉरवर्डली वर्क करें, और किसी भी चीज़ में ज़्यादा देरी ना रहे, और जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, और वो जल्दी जल्दी आपको प्रूफ करें कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे, और वो कितना बदल चुके हैं, अच्छे इंसान बन चुके हैं, और वो कितना ज़्यादा आपके साथ डिवोटेड एंड कमिटेड वे में रहना चाहते हैं। ओके, सो ये इनकी करेंट फीलिंग्स है गाइस। इस कैंडल को मैं बुझाऊंगी नहीं, पूरा मेल्ट होने दूंगी। ओके, सो इसे मैं साइड में कर देती हूँ। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को क्रिस्टल्स एंड मिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बाकी मिस्ट भी आप लोगों को शो करूँ, सो फोर टाइप्स के मिस्ट मैं आप लोगों को शो करना चाहूँगी। ओके, वन बाय वन सिक्वेंसी। सो फर्स्ट वाला जो मिस्ट है वो है अट्रैक्शन मिस्ट। ओके, क्या है इसे आप घर बैठे कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके तुरंत जो भी चाहोगे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि आपसे टेक्निक करने में मुश्किल आते हैं, या फिर जो भी आप टेक्निक्स अप्लाई करते हो वो आपसे बनते नहीं हैं, या कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपको नहीं मिलता है, बहुत सबर करना पड़ता है, काम नहीं बनता, सो उसके लिए आप डेफिनेटली इस अट्रैक्शन मिस्ट को यूज़ कर सकते हो, और कुछ भी प्योर इंटेंशंस के साथ, अच्छे इंटेंशंस के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो अभी हाफ फिल्ड है, बट ये आपको फुल फिल्ड मिल जाएगा। ये मैंने यूज़ भी किया हुआ है, ठीक है, आप लोगों को बहुत बार शो भी किया हुआ है, डेमो भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों को एक कम क्वांटिटी में दिख रहा होगा। बट यस, अगर आपको ये ऐसा मिस चाहिए, बहुत सारे ऑर्डर्स बाई गॉड्स ग्रेस आ चुके हैं, ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने रिसीव भी कर लिया है। सो अगर आपको चाहिए, सो ये है फर्स्ट मिस्ट जो कि है अट्रैक्शन मिस्ट। इसको अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टा में डीएम कीजिए एंड ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। ये चारों के चारों मिस्ट आपको मंथ के एंड तक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा मिस्ट है हमारा पॉजिटिविटी एंड इविल आई प्रोटेक्शन मिस्ट। ये आपके घर के लिए, वर्क प्लेस के लिए, स्टडी एरिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको फील होता है कि आपके घर में कोई बुरा साया है, या किसी की नेगेटिविटी है, किसी की बुरी नज़र है, या आपको घर में पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल पाती है, और वास्तु का इशू है, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में बहुत झगड़े लगते हैं, बहुत तनाव चलता है, वर्क प्लेस में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, जिस वर्क एरिया में काम करते हो, वर्क डेस्क में काम करते हो या पढ़ाई करते हो, तो उसमें पॉजिटिविटी के लिए इविल आई प्रोटेक्शन, जैसे कि फ्यूचर में कोई बुरी नज़र ना डाल पाए आपके घर में, आपके फैमिली में, या आपके वर्क प्लेस में, आपके स्टडी एरिया में, सो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन सारे गिवन रहेंगे प्रोडक्ट के साथ, जिसे आप फॉलो करके इजीली यूज़ कर सकते, तो बहुत इजी इंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा कुछ काम छम आपको करना नहीं है, ठीक है। तो इसे भी अगर आप घर में स्प्रे करोगे, या जहाँ पर भी आप काम करते हो, पढ़ाई करते हो, स्प्रे करोगे, तो उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, इविल आई प्रोटेक्शन मिलेगी। ओके, तीसरा मिस्ट है हमारा क्रिस्टल क्लिंजिंग एंड एनर्जाइजिंग मिस्ट। अगर आप ऑलरेडी क्रिस्टल वेयर करते हो, जेम स्टोन्स वेयर करते हो, या अपने पास आप रखते हो, बट आपको क्लीन करने नहीं आता, या फिर आपको री एनर्जाइज करना है, या फिर आप ऑलरेडी आपने खरीद कर रखा हुआ है बट आप जानते नहीं हो कि कैसे एनर्जाइज करके एक्टिवेटेड फॉर्म में क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें इससे क्लिंजिंग भी होगी आपकी क्रिस्टल की, जेम स्टोन्स की, एंड वो एनर्जाइज भी होगा, ओके, और ये एनर्जाइज भी। सो अगर आपको ये चाहिए, सो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप में, इंस्टा में। एंड फोर्थ मिस्ट इज़ योर हीलिंग मिस्ट। अगर आपको बहुत नेगेटिविटी फील होती है, या आप स्टक फील करते हो, या ओवर थिंकिंग का शिकार हो, बहुत ओवर थिंकिंग आपके मन में होती है, बहुत चिंता करते रहते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा वगैरह वगैरह, पास्ट को लेकर एंशियस हो जाते हो, या पास्ट को लेकर सैड हो जाते हो, या
प्रेजेंट लाइफ से सैड रहते हो, तो उसके लिए हीलिंग मिस्ट बिल्कुल आपके लिए है। ऐसे आप स्प्रे करके कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बहुत इजीली हील हो सकते हैं। इंस्टेंट रिलीफ आपको मिलेगा अगर आप किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, या आपको भारीपन फील हो रहा है कुछ भी, आप इस स्प्रे से डेफिनेटली आपको 110% रिलीफ मिलेगा इसे अगर आप ठीक से यूज़ करेंगे तो। सो ये भी मिस्ट अगर आपको चाहिए हीलिंग के लिए, ठीक है, और ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। सो अगर आपको ये मिस्ट चाहिए तो भी आप मुझे केवल व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट करके अपने ऑर्डर प्लेस करवा सकते। सो ये चारों मिस्ट में से अगर आपको कोई भी मिस्ट चाहिए सो आप DM करके यानी कि कॉन्टैक्ट करके थ्रू व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज। ओके सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप सबके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एंड आप सबके कमेंट्स में मैं हार्ट देने का भी बहुत ट्राई करती हूँ। सो गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।